मुंबई प्रेस हेल्प डेस्क को मिली जानकारी। मुंबई पुलिस की आंख में धूल झोंक, सुबह तक चल रहा है हुक्का पार्लर और नौजवान पीढ़ी को बना रहा है नशे का शिकार। मिली जानकारी के मुताबिक टोबैको हुक्के के साथ नशे के कई सामान यहां बेचे जाते हैं। इन सब की छानबीन के लिए एनजीओ अग्नि फाउंडेशन के साथ मुंबई प्रेस की टीम जा पहुंची सिलीबली लॉन्च, जो कि एनएक्स मॉल वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास बोरीवली ईस्ट में मौजूद है। वहां पहुंचने के बाद हमें पता चला कि ये लॉज 3 सेक्शंस में चलाया जाता है। पहला सेक्शन फर्स्ट फ्लोर पर चलाया जाता है, जहां नौजवान नस्लें डांस के साथ साथ शराब और नशीले पदार्थ का सेवन करती हैं। वहीं दूसरा सेक्शन 8 फ्लोर पर डांस बार की शक्ल में चलाया जाता है और इसका तीसरा और आखिरी सेक्शन रूफ टॉप पर चलाया जाता है, जहां आपको म्यूजिक और डांस तो नहीं मगर नशीले पदार्थ, खाना, शराब और सब कुछ मिल जाएगा, जहां पर एज लिमिट की कोई जरूरत भी नहीं है। आश्चर्य की बात तो ये है कि सिलीबिली लॉन्च के पास ना तो एक्सिस का लाइसेंस है, ना तो बीएमसी का और ना ही मुंबई पुलिस का परफॉर्मेंस लाइसेंस, फिर भी यहाँ आपको हर सुविधा सुबह तक मिल जाएगी। मुंबई प्रेस की टीम सुबह 4 बजे तक यहाँ रुककर क्या कुछ देखा और रिकॉर्ड किया, ये सब तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन हाँ कुछ झलकियाँ आपको जरूर दिखा देते हैं। इस सब को देखने के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि कस्तूरबा मार्ग पुलिस स्टेशन को इस सब की कोई खबर ही नहीं, या फिर पुलिस ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं? ऐसे कई सवाल है लेकिन इसका कोई जवाब नहीं। अग्नि फाउंडेशन एनजीओ द्वारा रात 3:30 बजे पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन मानो जैसे सिलीबिली लॉज के लिए कोई कानून बना ही नहीं। नई पीढ़ी को बर्बाद कर रहा ये हुक्का लॉज अच्छे खासे पैसे बनाने के साथ साथ हमारी आने वाली नस्लों को भी नशे का शिकार बना रहा है। टीम मुंबई प्रेस। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब मुंबई प्रेस एंड टैप द बेल आइकन। और हाँ, एप्पल और एंड्रॉइड स्टोर से मुंबई प्रेस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।